गरीबों के भगवान कहे जाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भला आज कौन नहीं जानता, जो फिल्मों में काम करने के बावजूद गरीब लोगों की भी काफी मदद करते हैं। वही मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर भी कई हिट फिल्में डायरेक्ट करके खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। यूं तो ये दोनों ही इंडस्ट्री के काफी जाने माने कलाकार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दो मशहूर कलाकार आज एक दूसरे के साथ एक गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता हो। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के बीच के कनेक्शन से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इन दोनों कलाकारों के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल बॉलीवुड को रोमांटिक फिल्में देने वाले डायरेक्टर करण जौहर और बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती यूं तो एक समय में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अगर बात करें आज ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता रखते हैं, तो आपको बता दें कि आज ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि जानी दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं और एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बता दें कि दोनों की दुश्मनी साल 1990 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। हालांकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर नहीं बल्कि उनके पिता यश जौहर थे, मगर खबरों की माने तो फिल्म अग्निपथ में पहले मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल के लिए सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन बाद में करण जौहर ने अपने पिता से कहकर मिथुन को साइड रोल दिलवाया और मिथुन की जगह लीड रोल में अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेने के लिए कहा था। वही ये बात जानने के बाद मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और फिर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई। हालांकि मिथुन के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया, पर दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों दोस्त से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत भी नहीं करते, पर हाँ उम्मीद तो ये है कि दोनों अपनी लड़ाई को खत्म करके बहुत जल्दी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वेल, तो क्या आपको लगता है कि एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले ये दो कलाकार आगे चलकर कभी एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।